अब आगे बढ़ेंगे, एक मिनट एक खबर में बताएंगे आपको हर खबर सिर्फ 60 सेकंड में। और प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, 60 सेकंड में पूरी अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक परिवार को फ्लोटर आधार पर 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में इस योजना के शुरू होने से 15 लाख से भी ज्यादा परिवारों को इसका फायदा होगा। इस योजना से जुड़े लोग देश भर में कहीं भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसमें स्वास्थ्य कवरेज समेत वित्तीय जोखिम संरक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत सूची में शामिल अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। इस योजना के उद्घाटन पर केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच आज किसान एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चे की इस बैठक का समय तय नहीं है, मगर ये बैठक आंदोलन के लिए अहम मानी जा रही है। इस बीच किसानों ने हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में जाम लगा दिया है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को हरियाणा पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली से जयपुर आने वाली लेन को भी जाम कर दिया। NH 48 पर जाम होने से दिल्ली जयपुर का संपर्क कट गया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहन ने भी ऐलान किया कि 26 और 27 दिसंबर को 30,000 किसान दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दिल्ली की ओर जत्था रवाना किया है। इससे पहले भी ये कमेटी 2 जत्थे रवाना कर चुकी है। उधर राजस्थान से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो NDA का साथ छोड़ देंगे। इससे पहले उन्होंने 3 सदस्यीय समितियों से भी इस्तीफा दे दिया था। नए कृषि कानूनों पर सरकार लगातार किसानों से आंदोलन करने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील कर रही है। एक मिनट में खबर देखिए। शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस बीच उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ ही नजर आता है। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये नए कानून किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे। भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में एक बार फिर से खुली जीप में 5 बुजुर्ग महिलाएं प्रचार करती हुई नजर आई। किसानों के आंदोलन में उनका समर्थन करने के लिए खुली जीप में प्रचार करने वाली ये 5 बुजुर्ग महिलाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर 5ों महिलाएं पटियाला की सड़कों पर प्रचार करती नजर आईं। महिलाओं ने कहा कि लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है कि उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। असी हक मंगन गए सी, हफ्ता ला के आया, हुण असी दोबारा फिर इत्थे पटियाले च जागरूक करा रहे हैं। किसान अंदोलन का हिस्सा बनो, जो साडियां मावां भैणां बच्चे साडे नौजवान बच्चे साडे नाल चलो, असी दिल्ली जावांगे। ये महिलाएं पंजाब के पटियाला से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए खुली जीप में दिल्ली की ओर जा रही है। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के असम और मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन असम पहुंच गए।
जहां गृह मंत्री कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गुवाहाटी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8000 नामघरों या वैष्णव मठों को वित्तीय अनुदान वितरित करेंगे। शाम को प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वो मणिपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 27 दिसंबर को मणिपुर में गृह मंत्री शाह चूड़ाचंद्रपुर मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे। इसके बाद वो मोंगखोंग में एक IIT की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद वो राज्य सरकार के गेस्ट हाउस और राज्य पुलिस मुख्यालय की इमारत की भी नींव रखेंगे। साथ ही गृह मंत्री इम्फाल में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखेंगे। असम दौरे के समय मुख्यमंत्री सोनोवाल उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आरोपों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए उन्हें झूठा और बेबुनियाद बताया। शुक्रवार को किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार केवल गुमराह कर रही है। हमारे किसान भाई और बहन नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें संबोधित करने की बजाय PM ने लोगों को आधे अधूरे और विकृत तथ्यों के साथ गुमराह किया। भाजपा शासित केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रचार कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नोबेल पुरस्कार विजेता असत्तर सेन को एक चिट्ठी लिखी। अमर्त्य सेन का नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अवैध भूखंड धारकों की विवादित सूची में आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत में एक और विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति निकेतन में अमर्त्य सेन के पारिवारिक संपत्तियों पर उठे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विश्व भारती के कुछ नए घुसपैठियों ने आपकी पैतृक संपत्तियों को लेकर हैरत भरे और निराधार आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। मुझे इससे गहरा दुख पहुंचा है। इस देश में बहुसंख्यक वादियों के हट के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, जिसे आपको असत्य की इन ताकतों का दुश्मन बना दिया है। साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को उनके BJP विरोधी रुख के कारण निशाना बनाया जा रहा है। TRP घोटाले में पुणे की एक अदालत ने बार के पूर्व CEO को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। एक मिनट में खबर। TRP घोटाले में शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि TRP से छेड़छाड़ वर्ष 2016 से ही जारी है। पुलिस ने बताया कि घरों से आने वाले डेटा से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ 2016 और 2019 के बीच की गई है। 2016 से 2019 तक का डेटा ये मैनिपुलेट किया गया हुआ है। उसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है 44 सप्ताहों का। पुलिस ने बताया कि कुछ हफ्तों में किस चैनल को नंबर 1 बनाना है ये पहले से ही तय था। कुछ ईमेल्स और चैट्स का भी मेंशन है जो उनके सर्वर पे से बरामद किए हैं, जिसमें काफी इंक्रिमिनेटिंग चीजें उसमें आई है। मुंबई पुलिस ने कुछ ईमेल्स और चैट्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से चैनलों की रैंकिंग से छेड़छाड़ की जाती थी। और अब एक मिनट में दिखाते हैं आपको देश में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3 लाख से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 24,712 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 312 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,791 इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,01,23,778 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 96,93,173 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं।
जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,83,849 हो गई है। देश में कोरोना के कुल 1,46,756 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 95.75% पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। इस बीच मुंबई के धारावी से अच्छी खबर ये है कि शुक्रवार को यहां से कोरोना का एक भी मामला नहीं आया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के अब रोजाना 1,000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले 8,000 से भी कम हो गए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 758 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 30 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,370 इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,21,439 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,03,758 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 7,267 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,414 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 97.15% पहुंच चुका है, जबकि मृत्यु दर 1.17% है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.